Dear students, many, many congratulations for selecting this wonderful subject, English Honors. Today I am going to give you an overview of the periods of English literature, and this is the part 1 where I'll discuss Anglo-Saxon period, which begins from 450 and continues till 1066. This is also called Old English period. So, being a student of English literature, you need to have a wonderful knowledge of history of English literature too. आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप history of English literature को अच्छे तरीके से समझें, वरना आगे जाकर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा. अगर आपका लक्ष्य है कि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं as a teacher, as a lecturer, as a professor, तो आपको NET की तैयारी करनी पड़ेगी. और नेट की तैयारी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको इन सारी चीजों की जानकारी हो. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस पीरियड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक फीचर्स ऑफ दिस पीरियड एंड ऑल्सो द बेसिक एलिमेंट्स. द पीरियड बिटवीन 450 एंड 1066 दैट इज कॉल्ड ओल्ड पीरियड ऑफ इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड. It extended from the invasion of Celtic England by Germanic tribes, the Angles, Saxons and Jutes. यह जो पीरियड है वो एक्सटेंड करता है 450 से 1066 के बीच. इस समय आक्रमण किया गया था जर्मैनिक ट्राइब्स के द्वारा इंग्लैंड पे. जो ट्राइब्स एंगल्स कहलाते थे, सैक्सन्स कहलाते थे और ज्यूट्स कहलाते थे. इट अकर्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी to the conquest of England in 1066 by the Norman French under the leadership of William the Conqueror. यह आक्रमण हुआ था first half of the 5th century में और यह period continue करता है तब तक जिसे हम लोग कहते हैं 1066 ईस्वी तक, जब Norman French के द्वारा England पे दोबारा आक्रमण किया गया था, जिसके leader जो थे वो William the Conqueror थे. Only after they had been converted to Christianity in the 7th century. और 7वीं शताब्दी में लोग जो है वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने लगे. इसके पहले लोग पेगन्स थे. They were pagans. Pagans means विधर्मी. उन्हें ये पता नहीं था कि वे किस धर्म को फॉलो करते हैं, किसी खास धर्म का पता नहीं था. Did the Anglo-Saxons whose early literature had been oral begin to develop a written literature? और इसके बाद Anglo-Saxons जो थे, जिनकी लिटरेचर ओरल दिखाई पड़ती है, बाद में ये डेवलप होने लगी और रिटन फॉर्म में लिटरेचर आना शुरू हो गया. यानी इंग्लिश लिटरेचर रिटन फॉर्म में आना शुरू हो गया, वो भी ओल्ड इंग्लिश के साथ. राइट. फर्दर वी सी लिटरेरी डेवलपमेंट. आगे हम लोग देखते हैं कि लिटरेरी डेवलपमेंट कैसे हुआ. अ हाई लेवल ऑफ कल्चर एंड लर्निंग वॉज सून अचीव्ड इन वेरियस मोनेस्ट्रीज. हाई लेवल ऑफ कल्चर लिटरेचर जो है वो प्राप्त किया गया वेरियस मोनेस्ट्रीज में, जहां पर लोग धार्मिक तरह के लोग रहते थे, धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते थे. द 8th सेंचुरी चर्चमैन बेड एंड अल्क्विन वर मेजर स्कॉलर्स, रोट इन लैटिन, द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप. 8वीं शताब्दी में दो चर्चमैन के बारे में बात की जा रही है, बेड और अल्क्विन की, जो मेजर स्कॉलर्स माने जाते हैं, जो लैटिन भाषा में लिखते थे और उस समय यह स्टैंडर्ड लैंग्वेज था इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का. द पोएट्री रिटन इन द वर्नाकुलर एंग्लो-सैक्सन नोन एज द ओल्ड इंग्लिश. उस समय के वर्नाकुलर लैंग्वेज जो बोलचाल की भाषा थी, वहां की लोकल भाषा थी, एंग्लो-सैक्सन में जो लिखी गई थी उसे ओल्ड इंग्लिश माना जाता है. इंक्लूडेड बियोल्फ. उस समय की पोएट्री जो थी वो बियोल्फ थी, जो 8th सेंचुरी में लिखी गई. द ग्रेटेस्ट ऑफ जर्मैनिक एपिक्स, जिसको माना जाता है कि जर्मैनिक एपिक्स का यह ग्रेटेस्ट क्रिएशन था. एंड सच लिरिक लैमेंट्स एज द वॉन्डरर, द सी फारर्स एंड डियोर. इसमें खास कविताओं के नाम भी आते हैं जो लिरिक्स थे, द वॉन्डरर, द सी फारर्स एंड डियोर. ऑल ऑफ विच दो कंपोज्ड बाय क्रिश्चियन राइटर्स. यद्यपि कि इनको लिखा गया था क्रिश्चियन राइटर्स के द्वारा, रिफ्लेक्ट द कंडीशंस ऑफ लाइफ इन द पेगन पास्ट. लेकिन इसमें जो स्थिति दिखाई गई है वो विधर्मी पुराने समय की दिखाई गई, जिस समय क्रिश्चियनिटी की बात नहीं हो रही थी, विधर्मी लोग थे. राइट. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ पोइट्री ऑफ दैट पीरियड. कैडमोन एंड सिनोल्फ वेर पोएट्स हु रोट ऑन बिब्लिकल एंड रिलीजियस थीम्स एंड
There survive a number of old English lives of saints, sermons, and paraphrases of books of the Bible. Edmund और सिनवुल्फ को उस समय का पोएट माना जाता है जो कि बिब्लिकल यानी बाइबल से संबंधित धार्मिक थीम्स पे लिखा करते थे. उनकी लिखी हुई चीजें अभी भी देखने को मिलती हैं ओल्ड इंग्लिश में, जैसे लाइव्स ऑफ सेंट्स हैं यानी उस समय के संतों के जीवन की बातें, सरमन्स उपदेश एंड पैराफ्रेजेज ऑफ बुक्स ऑफ द बाइबल, और उस समय के ओल्ड इंग्लिश के बाइबल का जो पैराफ्रेजिंग है वो भी देखने को मिलता है. सो दीज आर द थीम्स ऑफ पोइट्री. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोज राइटिंग एंड वी विल टॉक अबाउट अ ग्रेट किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, अ पैट्रन एंड वॉरियर. एक महान राजा जो कि एक संरक्षण दाता था और आश्रय दाता था कवियों के लिए, लेखकों के लिए, साथ ही साथ एक महान योद्धा भी था. अल्फ्रेड द ग्रेट, अ वेस्ट सेक्शन किंग ड्यूरिंग द पीरियड 871 टू 899, यह जो पीरियड है इसके बीच में एक राजा हुआ अल्फ्रेड द ग्रेट, जिसको अ वेस्ट सेक्शन किंग कहते हैं. यूनाइटेड ऑल द किंगडम्स ऑफ सदर्न इंग्लैंड, उसने सदर्न इंग्लैंड के सारे राज्यों को एक साथ यूनाइट किया अगेंस्ट अ न्यू वेव ऑफ जर्मैनिक इन्वेडर्स द वाइकिंग्स. किनके खिलाफ? एक नए लहर के खिलाफ जो जर्मैनिक इन्वेडर्स थे, जर्मनी से आने वाले जो इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, जिनको वाइकिंग्स कहा जाता था. वॉज नो लेस इंपॉर्टेंट एज अ पैट्रन ऑफ लिटरेचर देन एज अ वॉरियर. वह एक तरह से संरक्षणदाता था, पैट्रन था लिटरेचर का, साथ ही साथ एक महान योद्धा था, क्योंकि योद्धा होने के नाते ही उसने किंगडम को यूनाइट किया था. राइट. अल्फ्रेड हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इनटू ओल्ड इंग्लिश वेरियस बुक्स ऑफ लैटिन प्रोज. उसने क्या किया, ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारे किताबों को जो लैटिन प्रोज थे उसको ट्रांसलेट किया. सुपरवाइज्ड ट्रांसलेशन बाय अदर हैंड्स एंड इंस्टीट्यूटेड द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स, अ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ईयर बाय ईयर ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इंग्लैंड. और उसने ही एक क्रॉनिकल तैयार किया एंग्लो सैक्सन पीरियड का, जिसमें ईयर बाय ईयर आप देख सकते हैं इवेंट्स को और इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं इंग्लैंड की, उसने उसको मदद लेकर, अदर हैंड्स की मदद लेकर इंस्टीट्यूट किया और सुपरवाइज करके करवाया. तो इस तरह से उसके इस महान कार्य को कभी भूला नहीं जा सकता है. सो दिस वे दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ प्रोज. सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सैक्सन पीरियड. Right? Thanks a lot for watching the video. Soon I will post the video of this series, part 2. Till then, goodbye.